राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की एक हाइब्रिड और एक उन्नत किस्म के बारे में। इस किस्म के बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। किस्म का नाम क्या है, कौन कौन से राज्य में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कितनी सिंचाई आपको करनी पड़ती हैं, क्या इसका उत्पादन है, बीज कितना लेना होगा, तेल की मात्रा कितनी इसके अंदर पाई जाती है, एक पौधे में कितनी फलियां हैं, कितने दाने निकलते हैं, या क्या इस बीज की कीमत है, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों ले पाएंगे। अगली खेती की, मतलब कौन सी खेती की आप वीडियो चाहते हैं, उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम धान की खेती की वीडियो बना रहे हैं, साथ ही साथ सरसों की खेती की वीडियो बना रहे हैं। इन दोनों के अलावा आप किस और खेती की वीडियो चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका प्यार और सहयोग जैसे मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किस्म से। तो इस किस्म का नाम किसान भाइयों है SVJH 101। ये शक्तिवर्धक हाइब्रिड जो हमारी कंपनी है, इस किस्म का कीस है और बीज है, और किसान भाई ये हाइब्रिड मस्टर्ड सीड है, यानी कि SVJH 101। सबसे पहले बात किसान भाइयों कर लेता हूं कि कौन कौन से राज्य में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई किसान भाइयों आप महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश, आदि राज्यों में, आदि प्रांतों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और बहुत सही और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ये किस्म आपको निकाल करके दे सकती है। बात कर लेते हैं इस किस्म के कि इसकी कीमत आपको मार्केट में देखने को क्या मिलेगी। तो इसके 1 किलोग्राम बीज का जो कीमत है वो 700 रुपये के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। आपके राज्य में इसकी क्या कीमत है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके उत्पादन की, इसका उत्पादन कितना आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसका उत्पादन किसान भाइयों 14 से लेके 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक ये किस्म आपको उत्पादन निकाल करके दे सकती है। बात कर लेते हैं किसान भाई इसकी पकने की अवधि की, कि इसकी पकने की अवधि क्या है। तो 130 से लेके 140 दिन के अंदर यह किस्म पक कर के तैयार हो जाती है। यदि बात की जाए इसकी बुआई की, कि इसकी बुआई का सही और उपयुक्त समय क्या है, तो सितंबर महीने के जो हमारा आखिरी वीक होता है, सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर के मध्य तक आप इसकी बुआई यदि कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ये किस्म आपको निकाल करके दे सकती है। पौधे की ऊंचाई की यदि बात करूं तो 150 से लेके 170 सेंटीमीटर के आसपास इसकी पौधे की ऊंचाई किसान भाइयों आ जाती है, और कम लंबाई होने की वजह से ये किस्म जो है आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है, यानी कि आसानी के साथ खड़ी रहती है। यदि एक पौधे से इसकी शाखाओं की बात करूं तो एक पौधे से लगभग ये 20 से 22 शाखाएं बड़े आसानी के साथ निकाल करके दे सकती है, और इसके एक पौधे से लगभग लगभग 280 से 300 फलियां आसानी के साथ इस किस्म के अंदर बन जाती हैं, और हर फली के अंदर लगभग किसान भाइयों 22 से लेके 24 दाने निकलते हैं। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी तेल की प्रतिशतता की, कि इस किस्म के अंदर कितना तेल पाया जाता है। तो इस किस्म के अंदर किसान भाइयों 42% तेल पाया जाता है। बात करते हैं बीज की मात्रा की, कितना बीज आपको प्रति एकड़ लेना होगा। तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस किस्म का बीज लेना होगा, और तब आप इसकी बुआई अपने खेत के अंदर आसानी के साथ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रोगों की, कि इस किस्म के अंदर कितने रोग लगते हैं। तो इस किस्म के अंदर काफ़ी कम रोग लगते हैं, और जो हमारा ये सफ़ेद रस्ट होती है, वाइट रस्ट होती है, ये रोग इसके अंदर नहीं लगता है, जो सरसों की खेती के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा किस्म है ये पाले के खिलाफ, ये जो है काफ़ी सहनशील है, पाले में इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ किसान बात कर लेते हैं सिंचाई की, कि इस किस्म को आपको कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो लगभग 2 सिंचाइयों में यह किस्म पककर के तैयार हो जाती है, और आपको 15 से लेकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन किसान भाइयों ये किस्म आपको निकाल करके दे सकती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप इस किस्म की बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं।